हाय फ्रेंड, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं त्रिनिदाद टिटन ब्लास्ट के आज के मैच नंबर 23 की, जो होने वाला है SCK वर्सेस SLS के बीच में शुरू होगा। इस मैच का फुल डिटेल देने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहे तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा सबसे पहले मिल सके। और टेलीग्राम चैनल से जाकर जरूर जाना है, क्योंकि वहाँ पर ही आपको फाइनल टीम और प्लेइंग 11 मिलने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दूसरा जहाँ पर आप कमेंट करते हो ना वहाँ पर भी पिन के ऊपर मिल जाएगा। तो जैसे आप हमारे कमेंट पर क्लिक करोगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे, तो वहां से आपको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर ही आपको फाइनल टीम मिलने वाली है। तो मैच का टाइम देख लेते, तो यहां पर आज रात 9:30 में मैच शुरू होगा। वेदर की बात करें तो बारिश की संभावना ना थोड़ी यहां पर बन सकती है। सेम ग्राउंड पर मैच है। पिच रिपोर्ट की बात करें तो बैलेंसर पे एवरेज स्कोर 80 से 100 के बीच में बनने वाला है। वेनर रिकॉर्ड देख लेते तो यहां पर आप देख सकते हो टोटल अब तक 22 मैच कंप्लीट हो चुके हैं। 7 मैच जीते हुए टीम वेस्ट करने वाली टीम ने 8 मैच में चेज हुआ है, 7 मैच यहां पर नॉट रिजल्ट रहे हैं। तो यहां पर हम पहले बात कर लेते SCK टीम की, तो यहां पर लास्ट में 4 मैच खेल के आ रही है, चारों के चारों मैच विन किए हैं एंड काफी सॉलिड टीम है। लास्ट मैच विनिंग की थी कास्टर कालीचरण ने और समर ने। कालीचरण की बात करें तो काफी अच्छा इनका स्कोर रहा है, 34 नॉट आउट 4-1 और 37 रन के छिपा खेली थी। T10 की बात करें 13 मैच में 212 रन है, 23 का एवरेज है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना काफी अच्छा रिकॉर्ड देने वाला है बंदे का, ओपनिंग करने आता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चूज कर सकते हो। यहाँ से वरण समोर की तरफ लास्ट के देख सकते हो सिर्फ एक मैच में ना 47 रन की अच्छी पारी खेली थी, बाकी तीनों मैच में लोप रहा था बंदा। ODD की बात करें तो 5 मैच में 95 रन 31 का एवरेज है। यहाँ से आया डीजोन चार्ल्स की तरफ 35 31 नॉट आउट 1 विकेट 21 नॉट आउट 1 विकेट और लास्ट मैच में 16 किए थे। यहाँ पर देख सकते हो पार्ट टाइम बॉलिंग करता है तो अच्छा रिकॉर्ड करके जाएगा आपके लिए, तो चूज कर सकते हो, क्योंकि ना T10 के 4 मैच खेल चुका है, 102 रन है 1 विकेट है, तो इंपॉर्टेंट है, मौका दे सकते हो। यहाँ से आया जैसन मोहम्मद की तरफ 3 नॉट आउट 46 30 0 विकेट और लास्ट मैच में 17 नॉट आउट, अच्छा रिकॉर्ड रहा है बंदे का, मौका दे सकते हो। T10 की बात करें 14 मैच में 489 रन है 3 विकेट है, 69 का एवरेज है। तो यहाँ पर आप जरूर इसे पिक कर सकते हो। JR जागेश्वर की तरफ आ जाते हैं, 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट और 1 विकेट कन्फर्म देख सकते हो, हर मैच में 2-2 ओवर डाल रहा है, डेथ में बॉलिंग करने आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आप हर मैच में ना कन्फर्म बॉलिंग करेगा तो आपको विकेट के पॉइंट अच्छे देने वाला है। T10 की बात करें 4 मैच में 2 विकेट हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसे मौका दे सकते हो। यहाँ से आज चार्डियन रेमंड की तरफ देख सकते हो, लास्ट 2 मैचों में ना अच्छा किया था बंदे ने, 1 में 1 विकेट और दूसरे में 2 विकेट कन्फर्म किए थे, हर मैच में कन्फर्म बॉलिंग कर रहा है, मौका दे सकते हो, डेथ में बॉलिंग करने आएगा, चूज कर लेना है। यहाँ से निकोलस अली की तरफ देख सकते हो 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट और लास्ट मैच में 2 विकेट, देख सकते हो कन्फर्म ना हर मैच में 2-2 ओवर डाल रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लिक क्लब, क्योंकि देख सकते हो क्लब 2020 के ना 3 मैच खेला था, 47 रन है 3 विकेट है, यानी आपको बॉलिंग बैटिंग दोनों से 6 पॉइंट दे सकता है, चूज कर लेना है। अंशिल वंगर की तरफ आ जाते हैं, देख सकते हो 2 मैच में मौका मिला था, पहले में 2 विकेट और लास्ट वाले मैच में विकेट लेस रहा था। T10 की बात करें 9 मैच में 7 विकेट हैं, चूज कर सकते हो। यहाँ से आज जोश टेलीमेक की तरफ लास्ट मैच में मौका मिला था जिसमें 2 ओवर डाल के 1 विकेट निकला था, डेथ में बॉलिंग की थी, डोमेस्टिक T20 खेल चुका है, 1 मैच में 0 विकेट है 7 रन है। यहाँ से आज JS वार्डन की तरफ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि देख सकते हो 4 मैच में लोप रहा था बंदा। T10 की बात करें 14 मैच में 269 रन है 26 का एवरेज है। यहाँ से आया किगन जगासर की तरफ देख सकते हो 3 मैच में 4 मैच में लोप रहा था बंदा। बेंच में से यहाँ पर हम बात कर ले जस्टिन मैनिक की, देख सकते हो 3 मैच खेला था, 0 विकेट 0 विकेट और 9 बैटिंग, रिसेंट फॉर्म भी काफ़ी अच्छा नहीं है बंदे का, आप ड्रॉप कर सकते हो। निकलिस जालिम की तरफ आ जाते हैं, देख सकते हो खास इंपॉर्टेंट है नहीं। सुनील नरेर की तरफ आ जाते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो अभी तक मौका मिला नहीं, पर मौका मिलता है तो काफ़ी अच्छा प्लेयर रहने वाला है, क्योंकि ना आपको बॉलिंग बैटिंग दोनों से 6 पॉइंट देने वाला है। T10 के 23 मैच खेल चुका है, 467 रन है 16 विकेट हैं सॉरी, और रिसेंट फॉर्म भी काफ़ी अच्छा है, 29 2 विकेट 7 1 विकेट 7 1 विकेट 2 विकेट और 1 विकेट, अच्छा है अगर खेलता है बंदा, मौका दे सकते हो। स्टार्टिंग ओवर डालने आ जाएंगे सी रायमंड, JR जगेश्वर एंड अली, डेथ के ओवर डालने आ जाएंगे टी टेलीमेक और यहाँ पर सी रायमंड जे जगेश्वर, जो डेथ में आता है हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, विकेट की पॉइंट आपको अच्छे दे देगा। तो यहाँ पर हम दूसरी टीम SLS की बात कर लेते, तो यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट 4 मैच खेल के आ रही हैं, 3 मैच विन के हैं, 1 मैच यहाँ पर नॉट रिजल्ट रहा था। यहाँ पर हम बात ओपनिंग करने आ जाते हैं, टियोन वेस्टर और जसवा दास सिल्वा ने लास्ट मैच ओपनिंग की थी, तो यहाँ पर वेस्टर की बात कर ले तो काफ़ी अच्छा पिक रहने वाला है आपके लिए, 0 विकेट 1 रन 0 विकेट 41 1 विकेट और 25 नॉट आउट 1 विकेट, देख सकते हो कन्फर्म हर मैच में 2-2 ओवर डाल रहा है, डेथ में बॉलिंग करने आएगा। T10 की बात करें तो 20 मैच खेल चुका है, 520 रन है 6 विकेट हैं, चूज कर लेना है। यहाँ से आज जसवा दास सिल्वा की तरफ
लास्ट दोनों मैच में लोप रहा था, और बाकी दोनों पहले वाले मैच हुए थे ना 63 और 52 रन रन की अच्छी पार खेली थी। सीपीएल खेल चुका है, 7 रन में 134 रन है, 33 का एवरेज है। मौका जरूर इसे आप दे सकते हो। जोशुआ रामुंडा की तरफ आ जाते हैं तो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि देख सकते हो 4 मैच में लोप रहा था बंदा, T10 के 2 मैच खेला था, 37 रन है, 37 का एवरेज है। विकेस हरी लोचन की तरफ आ जाते हैं, 21 नॉट आउट, 1-3 नॉट आउट और 21 नॉट आउट। यहाँ पर डोमेस्टिक T20 खेल चुका है, 2 मैच में 1 रन है। मौका दे सकते हो, क्योंकि ना अगर बॉलिंग बैटिंग करता है ना तो पॉइंट आपको अच्छे दे सकता है। खैर पीएल की तरफ आ जाते हैं, 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट और 9 विकेट। T10 के 17 मैच खेला था, 18 रन है, 9 विकेट है। खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एक मैच में मौका मिला था जिसमें 1 विकेट निकाला था, बाकी 3 मैच में लोप रहा था। ब्रायन चार्ल्स की तरफ आ जाते हैं, लास्ट 2 मैच में अच्छा किया था, 1 विकेट और 1 विकेट, बाकी 2 मैच में शुरू में उतना है उसमें देख सकते हो कन्फर्म बॉलिंग की थी पर विकेट ले जा रहा था। T10 की बात करें 3 मैच में 3 विकेट है, मौका दे सकते हो। यहाँ से डेक्सटर स्विन की तरफ देख सकते हो, लास्ट मैच में सिर्फ 1 विकेट निकाला था, बाकी पूरे 3 मैच में फ्लॉप रहा था, पर बॉलर अच्छा है। T10 की बात करें 12 मैच में 221 रन है, 2 विकेट हैं। क्लब T20 के 6 मैच खेलाए थे, 136 रन है, 8 विकेट है, मौका दे सकते हो। यहाँ से आया फेल्टन विलियम्स की तरफ, लास्ट 2 मैच में अच्छा किया था, कन्फर्म बॉलिंग की थी तो 1-1 विकेट निकाल के गया था। शकील जॉनसन की तरफ आ जाते हैं, लास्ट 1 मैच में मौका मिला था, बाकी 3 मैच में मौका मिला नहीं। डोमेस्टिक T20 के 1 मैच खेला था, 1 रन है, तो इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो। कायल रूपचंद की तरफ आ जाते हैं, 3-4 मैच में मौका तो मिला था, पर 9 बैटिंग रहा था, ना तो बैटिंग मिली ना बॉलिंग मिली, तो आप छोड़ सकते हो क्योंकि खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से शिव मैकून की तरफ आ जाते हैं, लास्ट मैच में खेला था सिर्फ, 3 मैच मौका मिला नहीं, लास्ट मैच में मौका मिला था, विकेट ले जा रहा था। क्लब T20 के 1 मैच खेला था, 0 विकेट है, 12 रन है। ODT के 3 खेला था, 4 विकेट इनके नाम है, तो चूज कर सकते हो। बेंच में से हम बात कर लेते थे, यहाँ पर अगर कोई खेलता ना तो उनके रिकॉर्ड आपको टेलीग्राम पर भी देखने को मिल जाएगा, पर आप देख लेते हैं। जॉर्डन सकमरन की तरफ आ जाते हैं, तो खास इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि 3 मैच में फ्लॉप रहा था। क्लब T20 की बात करें, 2 मैच में 9 रन है, 1 विकेट है। कमिल पुरन की तरफ आ जाते हैं, अगर ये खेलता है ना बंदा तो आप इसे ना पुरन को ना जरूर रख सकते हो, क्योंकि 39 नॉट आउट और 46 रन की अच्छी पारी खेली थी। T10 के 14 मैच खेला था, 141 रन है, 14 का एवरेज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर खेलता है बंदा तो मौका दे सकते। सचिव बलिराम की तरफ आ जाते हैं, अभी तक मौका नहीं मिला, स्टार्टिंग के उड़ाने आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो D7, B4 और SM Kaun और डेथ के उड़ाने आ जाएंगे P Williams, T Webster, D7 जो डेथ में आता है, वैसे आपके इंपॉर्टेंट देने वाला है क्योंकि विकेट के पॉइंट आपको अच्छे दे देगा। तो वीडियो का एनालिसिस वाला पार्ट चुका है कंप्लीट, चलते अपनी डेमो टीम की तरफ। डेमो टीम की तरफ जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है, और बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा सबसे पहले मिल सके। वो टेलीग्राम चैनल से जाकर जरूर जाना है, क्योंकि वहाँ पर आपको अपडेट हो फाइनल टीम और प्लेइंग 11 मिलने वाली है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दूसरा जहाँ पर आप कमेंट करते हो ना तो वहाँ पर ऊपर पिन के ऊपर मिल जाएगा। तो जैसे आप हमारे कमेंट पर क्लिक करोगे आप टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे, तो वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहां पर आपको फाइनल टीम मिलने वाली है। चलते अपनी डेमो टीम की तरफ। डेमो टीम में यहाँ पर अपने विकेट कीपर सेक्शन से करना है डी सिल्वा को, और यहाँ पर विकेट कीपर सेक्शन से देखने को मिल जाता है डी चार्ल्स को, और बैटिंग सेक्शन से करने वाला जय मोहम्मद को, टी वेबस्टर को, के कालीचरण को, और यहाँ पर पूरन को, और यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन से करने वाला वी हरिलोचन को, एन अली को, और यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन से करने वाला D7 को, जे आर जगेश्वर को, और पी विलियम्स को, और यहाँ पर मैं कैप्टन करने वाला हूँ टी वेबस्टर को, वाइस कैप्टन करने वाला हूँ जे आर जगेश्वर को। बट ये मेरी फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपका अपडेट उस पर लेंगे, जो भी कुछ चेंजेस होगा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर ही मिलने वाली है। टेलीग्राम का आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन के ऊपर मिल जाएगा, तो वहां से आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए।